दोस्तों, ज्ञान दर्शन वन औसत यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक औषधीय पौधे से परिचित कराएंगे। वह औषधीय पौधा कौन है, इसके गुण धर्म क्या हैं, यह औषधीय गुणों में क्या क्या कार्य करता है, तो आइए जानते हैं वह पौधा कौन है। यह पौधा है जंगली पालक। जंगली पालक आपको सर्दीले स्थानों में, तालाबों के किनारे और घरों के आसपास जहाँ पर सर्दीला स्थान होता है, यह आपको वहाँ उगी हुई मिल जाती है। यह अपने आप बढ़ती और पनपती रहती है। यह मार्च के महीने में आपको अत्यधिक मिलती है। मार्च के महीने में यह फूलती और फलती है। तो दोस्तों, इस जंगली पालक से आप कई प्रकार के रोगों को भगा सकते हैं, जैसे कि एनीमिया, खून का ना बनना, माताओं बहनों में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर में इसके जूस का प्रयोग किया जाता है। आप इसकी पत्तियों को तोड़ कर लाएँ और जूस निकाल लें। इस जूस को 10 ml सुबह, 10 ml सुबह और 10 ml शाम आप इसका उपयोग करें, तो माताओं बहनों में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की कमी को दूर करेगा और यह एनीमिया को भी दूर भगाता है। इसका साग बनाकर खाया जाता है, सब्जी की तरह इसके आप साग का प्रयोग कर सकते हैं। यह साग आपकी खून की कमी को दूर करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर शरीर में कम है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तो आप जंगली पालक के साग का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बीज बहुत ही फायदेमंद हैं। इसके बीजों से आप शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अगर आप नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, शुक्राणुओं का न बनना, आप अपने आप को बताने में कतराते हैं कि हमें जो है गुप्त रोग है, किसी से कहने में शर्म करते हैं, तो यह गुप्त रोग की बहुत ही अच्छी औषधि है जंगली पालक के बीज। जंगली पालक के बीज सेक्स पावर की परेशानी से राहत पाने के लिए आप जंगली पालक के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 200 ग्राम जंगली पालक के बीज, या जो आप देख रहे हैं या जंगली पालक के बीज, इसमें पालक में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बीज हैं जो पंखुड़ी नुमा जो है पत्तियों के पास में लगे हुए हैं, इनको आपको लेना है 200 ग्राम। 200 ग्राम जंगली पालक के बीज और उन्हें अच्छी तरह पीस लें। अगर आपके घर में मिक्सर मशीन है तो उसमें पीस लें, या इमाम दस्ते में पीस कर कपड़ छान कर लें। और आपको उतनी ही मात्रा में, यानी 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है। ये जंगली पालक के बीज आपको अच्छी तरह देख लीजिए, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं छोटे छोटे, जब ये सूख जाते हैं तो काले हो जाते हैं, काले भूरे हल्के रंग के हो जाते हैं। और ये आपको 200 ग्राम लेना है, इनको पीस कर और उतनी ही मात्रा में 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लें और उसको अच्छी तरह से पीस लें। फिर इसको आप किसी बंद बोतल में रख लें, इन बीजों को आप किसी बंद बोतल में रख लें, धागे वाली मिश्री मिलाकर वह आपका चूर्ण तैयार हो जाएगा। उस चूर्ण को आप किसी बंद डिब्बे में रख लें। फिर आपको इसको लेना है 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। गाय के दूध से लेना है मित्रों, गाय के दूध से अगर लेंगे तो बहुत ही लाभ, बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। इसके सेवन से आपके शारीरिक कमजोरी दूर होगी, शीघ्रपतन, नपुंसकता और स्वप्न दोष जैसी मर्दाना कमजोरी दूर होगी। आप अपने जीवन साथी को सहयोग देने में सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको जंगली पालक के बीजों से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, ज्ञान दर्शन वन औषध यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, समय देने का, हमारे वीडियोज को देखने का। तो दोस्तों, एक लाइक अवश्य करें, आपके लाइक करने से हमारे चैनल का मोटिवेशन आप होता है और हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको यह जंगली पालक के बीजों के फायदे के बारे में जानकारी दी है। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिले। तो इन्हीं बातों के साथ मिलेंगे एक औषधि वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।